हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बिहार लाइफ स्टाइल एंड कुकिंग चैनल में। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है, ये सब्ज़ी के साथ साथ में दवा का भी काम करती है। ये सब्ज़ी खास करके शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको शुगर है तो इस सब्ज़ी को बना के आप इजीली खा सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम ककोड़ा लिया है। बरसात का मौसम आते ही मार्केट में ककोड़ा मिलने लगता है और ये बहुत सुपर टेस्टी भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। इसे मैंने चॉप कर लिया है, अच्छे से वाश करेंगे और उसके पानी को निकाल देंगे। हाफ के जी ककोड़े में हाफ के जी ऑनियन को ऐड करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी बन सके। इस रेसिपी में ऑनियन और ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर आप परहेज़ के लिए बना रहे हैं तो पहले ककोड़े को स्टीम कर लीजिए, फिर इसे बनाइए तो ऑयल भी कम लगेगा और ऑनियन भी कम लगेगा। अगर स्वाद के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हाफ के जी ककोड़ा में हाफ के जी ऑनियन ही ऐड करिए। इसमें 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल को ऐड करेंगे और अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम ऑनियन को ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। ऑनियन को ऐड करके बराबर से मिक्स कर दिया है। इसमें 3 से 4 ग्रीन चिली को ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो ग्रीन चिली और भी ऐड कर सकते हैं। ऑनियन को फ्राई करते हुए 1/2 चम्मच नमक इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं नमक को मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। उसे 2 मिनट के लिए हम क्लोज लिड करेंगे। आप देख सकते हैं ऑनियन बिल्कुल कुक हो चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है। इस ट्रिक के साथ अगर आप ककोड़ा बनाएंगे तो आपकी ककोड़ा रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप देख सकते हैं ऑनियन हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है और फ्राई भी हो गई है। इसमें हम ककोड़े को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं सब्जी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बराबर से मिक्स करेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक को ऐड करके क्लोज लिड के साथ इसे 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। बारी बारी से बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि सब्जी बिल्कुल जले ना। फ्रेंड्स, इसे हमारे यहाँ ककोड़ा और चठैल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज की मेरी ककोड़ा रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादातर मिलती है। मार्केट में आते ही बहुत झटपट से बिक भी जाती है। जब मार्केट में ये मिलने लगे तो आप इसे बना के ज़रूर खाएँ। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। मैंने इसमें कोई मसाले को ऐड नहीं किया है। ये बहुत सिंपल और इजी तरीके से बन के रेडी हो रही है। अगर आपको मसाला खाना पसंद हो तो इसमें बेसिक मसाले को भी ऐड कर सकते हैं। घर में डेली यूज़ होने वाले बेसिक मसाले को ऐड करके भी इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये सिंपल सादी सी भाजी ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है और घर में सब इसे बहुत शौक से खाते भी हैं, इसलिए मैं इसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और ये बिल्कुल न्यू ट्रिक से मैंने बनाया है। आप भी इस ट्रिक से एक बार बनाइए, बहुत सुपर टेस्टी बनेगी और झटपट से बन भी जाएगी और सुपर टेस्टी भी लगेगी। देखने में ये बहुत सिंपल सी है लेकिन रोटी या पराठे के साथ बहुत यम्मी लगती है। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आपको यूज़फुल लगती है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं रेसिपी मेरी बनके रेडी हो चुकी है। इसे मैं ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर टेस्टी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।